हर बार पेपर लीक हो जा रहा था। अब वैकेंसी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में 4 से 5 साल इसको कोर्ट में लग जाएगा, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत सारे युवा आए कहते हैं राहुल जी हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने रात दिन एक कर दिए, एग्जाम के दिन पता लगता है पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। सच्चाई ये है इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है। आपके जो पेपर लीक हो रहे ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। 24 घंटे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अपना हक लो, डरो मत, पीछे मत हटो, ये देश आपका है। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है। जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं। जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे तब तक ये होता रहेगा, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा।